हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट क्या आपको पता है कि फेबररी में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था लॉन्चिंग ऑफ डिजिटल रुपी तो क्या है ये डिजिटल रुपी और क्या इसके फीचर्स हैं और ये क्या ज़रूरत है इसको लॉन्च करने की आइए जानते हैं सब कुछ फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सी या डिजिटल रुपी जो है वो लॉन्च किया जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऑनवर्ड्स सी को कौन लॉन्च करेगा तो इसको लॉन्च करेगा द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो डिजिटल रुपी है इट विल बी बैक्ड बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो आखिर ये सी होगा क्या सी बेसिकली एक लीगल टेंडर होगा जो कि इशू किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा इन द डिजिटल फॉर्म और ये बिल्कुल सिमिलर होगा टू द फीएट करेंसी जो कि इशू की जाती है पेपर में और साथ ही साथ जो पेपर नोट्स होते हैं उनके साथ इंटरचेंजेबल भी होगा आइए अब देखते हैं कि सी के फीचर्स क्या होंगे सबसे पहला तो ये हाई सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होगा जैसे कि पेपर बैंक नोट्स होते हैं सेकेंड ये यूनिकली आइडेंटिफाइबल होगा जैसे कि पेपर करेंसी का हर पेपर करेंसी का नंबर अलग होता है वैसे ही ये भी जो होंगे ये बिल्कुल यूनिकली नंबर्ड होंगे ताकि इनको काउंटरफिट ना किया जा सके थर्ड ये लाइबलिटी होंगे सेंट्रल बैंक की जैसे कि पेपर करेंसी भी होती है वैसे ही ये भी लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक होंगे क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है इनको बैक करेगा और फोर्थ इनकी फ़ीचर है ट्रांसफ़रेबिलिटी ये जो होंगे ये स्टोर भी किए जा सकते होंगे डिजिटल रुपीस ट्रांसफ़र भी किए जा सकते होंगे और ट्रांसमिशन भी किया जा सकता होगा इनका डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के थ्रू अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी सी की तो सबसे पहला है ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन्स जो इंडिया है वो लीडर है डिजिटल पेमेंट्स का लेकिन फिर भी कैश जो है यहाँ पे डोमिनेंट सिस्टम है ट्रांज़ेक्शन्स का दूसरा रीज़न है कि जो करेंसी uh, है इंडिया की वो हाईली इन सर्कुलेशन है थर्ड है कॉस्ट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जो हमारे पेपर uh, करेंसी है उसको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट गवर्नमेंट की वेस्ट होती है और ये रिड्यूस हो सकती है अगर हम डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करें और फोर्थ इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जैसे कि बिटकॉइन हो गया एथर्म हो गया ये इनकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ समय में काफ़ी रेज हुई है जिसके कारण फिएट करेंसीज़ को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है अब आइए देखते हैं कि इस सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होंगे डिजिटल रूपी के सबसे पहला बेनिफिट होगा फास्टर सिस्टम होगा जो ट्रांसफर ऑफ मनी होगा जो ट्रांजेक्शन्स होंगी डिजिटल रूपी के थ्रू वो इंस्टेंटेनियस होंगी और फास्टर होंगी रेदर देन द प्रजेंट सिस्टम वहीं इसका सेकेंड बेनिफिट होगा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के गोल्स में भी मदद करेगा गवर्नमेंट की थर्ड ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा मॉनेटरी पॉलिसी एको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वहीं डिजिटल रुपी अगर इसको ठीक से डेवलप किया जाए तो ये रीजनल करेंसी का भी काम कर सकता है आने वाले टाइम में कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि भूटान हो गया नेपाल हो गया सऊदी अरेबिया हो गया सिंगापुर हो गया जहाँ पे कि NPCI जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स हैं उसके अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी की इस दुनिया में लोग डिजिटल करेंसी को क्यों प्रेफर करेंगे इसमें सबसे पहला रीज़न है कि सॉवरिन गारंटी जो क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं बहुत रिस्की करेंसीज़ होती हैं और वहीं जो ये डिजिटल रुपये होगा इसके पास आर की सॉवरन गारंटी होगी आर इसके पीछे एज अ गारंटर होगा तो ये इसलिए ज़्यादा रिलायबल है सेकेंड क्रिप्टो करेंसीज जैसे आ, मार्केट वॉलेटली वॉलेटैलिटी पे डिपेंड करती हैं वहीं जो डिजिटल करेंसी होगी या डिजिटल रूपी होगा वो इन सबसे मार्केट वॉलीटलिटी से दूर होगा और वहाँ पे स्पेकुलेशन करना भी नामुमकिन के बराबर होगा वहीं क्रिप्टो करेंसी में जैसे मेलवेयर थ्रेट्स भी होती हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होती हैं वही डिजिटल रूपी में ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होंगी वहीं ऐसा भी माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक नया तरीका है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग का वो भी इससे कंट्रोल हो सकता है और जैसे रेगुलेटरी बाईपास होते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ में उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है सेंट्रल बैंक की वैसे ही डिजिटल रुपी में ऐसा नहीं होगा डिजिटल रुपी जो होगा इट इज़ एज़ गुड एज पेपर करेंसी और इसके ऊपर सारी रेगुलेशन्स आर की एज इट इज़ ही अप्लाई करेंगी और आर इसका गारंटर भी होगा तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इकोनॉमिक्स के ये टॉपिक आता है और ये करंट अफेयर में भी टॉपिक आता है और आने वाले कुछ समय तक एग्ज़ाम्स में आप इसके क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे तो अगर ये आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ें थैंक यू